हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। यहाँ पे हम एयरफोर्स का भी एग्जाम खत्म हो गया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रहे होंगे कि सारे शिफ्ट को देखते हुए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, और यहाँ पे कोई एयरफोर्स आंसर की देता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीजें बताऊंगा। एक तो आपके रॉ बेसिस पे, रॉ का मतलब पता है क्या, ऑप्टेंट स्कोर, आपने एग्जैक्टली कितना स्कोर कर रहे हो उसमें से नॉर्मलाइजेशन में क्या बढ़ेगी क्या घटेगी। ठीक है, मैं शिफ्ट वाइज के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ हर बार की तरह। मैं देखो पिछली कई बार से ना मैं शिफ्ट वाइज डिस्कस करता था, वहां पे थोड़ा सा बखेड़ा होता था। बखेड़ा पता है क्या होता था, मान लो किसी बच्चे की उस शिफ्ट में एग्जाम बहुत अच्छी गई है तो वो बोल रहा हाँ सर इजी है इजी है। अगर किसी बच्चे की किसी भी रीजन से, ठीक है, उस शिफ्ट में पेपर खराब गया हो, वो सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर ही आता था कि आप गलत एनालिसिस दे रहे हो वगैरह वगैरह, ये शिफ्ट तो बहुत डिफिकल्ट थी। मैं शिफ्ट की नाम भी नहीं ले रहा, मैं एक ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से, और आपको एक आइडिया बता दूंगा कि आपको किस तरीके से देखना है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, बॉय हो चाहे गर्ल हो, अगर आपके गर्ल्स के दिमाग में ये चल रहा है ना कि बॉय से कट ऑफ हमारी कम जाती है, तो आप 01/2024, ठीक है, यही बैच है ना आपका, सॉरी 01/2025 ये बैच है शायद आपका, आपका जो 02/2025 है, जस्ट इसके पहले वाले बैच के बारे में बोल रहा हूँ, 01/2025 बैच, इसकी पीएसएल की कट ऑफ जाके देखना। पीएसएल की कट ऑफ देखो, वाई ग्रुप की जो है ना अदर देन साइंस की, विमेन की कट ऑफ ज्यादा गई है। ठीक है, अगर आप कंपेयर कर लो मेल से, तो पहले तो हर बार कम जाता था, थोड़ी सी चेंजेस हुई है जनाब यहाँ पे, एक ग्रुप की कम गई है विमेन की, बट आने वाले टाइम में कट ऑफ विमेन्स की ज्यादा जाएंगी, लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा जाएंगी। रीजन, लड़कियों का सीट कम है, नंबर ऑफ गर्ल्स डे बाई डे बढ़ रही है, इंटरेस्टेड हो रही है एयरफोर्स के अंदर, तो सीट कम है, उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, देखो वाई ग्रुप, ठीक है, एक्स ग्रुप जो भी है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का कट ऑफ बता दूंगा। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना स्टेज टू की, आप फेज टू कहते हैं ना एयरफोर्स के अंदर, फेज टू की, अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपको मैं दो चीज़ बताऊंगा। आपको अगर डाउट में लग रहा है तो आप फेज टू की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के साथ साथ अगली नेक्स्ट वैकेंसी की भी प्रिपरेशन साथ में करना। मैं ये चीज़ हर बच्चे को कहूंगा, आप कितना भी आपका स्कोर ज्यादा बन रहा हो ना, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी साथ साथ में करना। अगर किसी को नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करनी है तो स्पेस वॉरियर बैच की प्राइस मैंने आधी कर दी है, 399 रुपीज कर दी है। इसके अंदर जो न्यू मॉक टेस्ट हमारी आएगी वो मिल जाएगी, ये हमारी इस बार की बैच थी 2025 वाली बैच थी, जो हमारी नई वाली PDF आएगी टॉप 500 सीरीज की, वो सब जब आएगी तब इस बैच के अंदर मिल जाएगी। न्यू मॉक टेस्ट आएगी तब इस बैच के अंदर हम लोग अवेलेबल करा देंगे। तो ये पूरे 8 मंथ की वैलिडिटी के साथ हम लोग 399 में इस बार वाली बैच को हम लोग सेल कर देंगे। जितने बच्चे इंटरेस्टेड है वाई ग्रुप के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मैं स्कोर बता देता हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट कर देना प्रिपरेशन। ठीक है, आपको जहाँ से भी बैचेज लेने अभी से स्टार्ट कर देना, मैंने अपना बता दिया टू जेड स्टडी ऐप पे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर ऐप यूज करने ना है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना भाई। अब देखो मैं अगर बात करूँ ना ओवरऑल फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, ध्यान देना फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, दो कट ऑफ बताऊंगा फिलहाल फेज वन की। अगर फेज वन के बारे में अगर मेरे से पूछ रहे हो वाई ग्रुप के लिए 35 to 36, एक नंबर की आगे पीछे, अब इससे ना तो कम ना तो इससे ज्यादा, ठीक है, ये स्कोर रहेगा फॉर योर फाइनल सिलेक्शन, सॉरी फेज वन की। और फाइनल सिलेक्शन अगर ले रहे हो ना 38 to 40 के बीच में अगर जिसका स्कोर आ रहा है वो बिल्कुल भी सेफ स्कोर में जाएगा, ये नॉर्मलाइज स्कोर के बाद में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर किसी लड़के की स्कोर वाई ग्रुप में, ठीक है, अगर 35 से 36 ईजीएस शिफ्ट के अंदर बन रहे होंगे, ठीक है, तो भाई वो फेज वन को क्लियर कर पाएगा। ठीक है, अगर वो डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर, अब वो कैसे समझ में आएगा मैं बताऊंगा, अगर डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर उसके 34 तक भी बन रहे हैं 33 तक भी बन रहे हैं तो आप फेज टू की प्रिपरेशन करो। ये डिफिकल्ट और ईजी शिफ्ट कैसे समझ में आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन आपके स्कोर अगर एजीएस शिफ्ट में 35 to 36 बन रहे हैं, आप स्टेज टू के लिए फेज टू के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन अगर एजीएस शिफ्ट में आपके 38 से 40 तक नहीं बन पा रहे हैं ना, लग रहा था कि हमारे जो डेली मॉक टेस्ट, देखो मैं इजी और डिफिकल्ट का बता दूं कैसे समझ में आएगा, आप अपने लास्ट के 3 से 4 मॉक टेस्ट उठाओ जो घर पे लगाए थे, उसमें मॉक में आपका जो स्कोर था क्या हम एक्चुअली एग्जाम में उतना कर पा रहे हैं, अगर उससे हम एक डेढ़ नंबर आगे पीछे हैं तो ठीक है पेपर का लेवल मॉडरेट था। ठीक है, अगर हम उससे काफी पीछे हैं तो पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, और उससे हम काफी ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, हम घर पे मॉक से ज्यादा स्कोर कर पा रहे एग्जाम में, तो पेपर का लेवल इजी था, मैंने बता दिया ना, ये चीज लेके चलना। अगर आपके घर के मॉक से
एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो पेपर इजी है, और उस इजी शिफ्ट में अगर आपके वाई ग्रुप में मेल के 3840 स्कोर नहीं हो रहे हैं तो भाई आप फाइनल सिलेक्शन के, मेरे हिसाब से नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन के जो, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत इजी शिफ्ट में स्कोर घटते भी हैं, पता है ना आपको, मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, और ये स्कोर जो 35 to 36 होगा नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, ये नॉर्मलाइज होकर अगर इतना बन जाता है आपका तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फेसबुक टू के लिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंड गर्ल्स की भी यही रहेगी, 35 के करीब अगर आपके बन रहे हैं, 35 से 36 के बीच में आपको भी मैं यही रखूंगा, तो आप फेज टू के लिए एलिजिबल हो। और यही मैं गर्ल्स के लिए भी कहूंगा, कंपटीशन अब डे बाय डे आपको ना अलग से देखने के लिए नहीं मिलेगी बॉयज की अपेक्षा कि नहीं नहीं हमारा तो कम जाएगा, नहीं, आपको इतना तक आना होगा 38 to 40 अगर आपका इजी शिफ्ट के अंदर कर रहे हो, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन के 38 to 40 अगर इजी शिफ्ट में आप गर्ल्स कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। अगर कोई डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर बच्चा ना लड़का हो 33 34 भी कर रहा है, लड़कियां 33 34 भी कर रही है, आप दबा के फेज टू में जाओ, प्रिपरेशन करो, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर भी आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं और आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। एंड गर्ल्स की भी वही कहूंगा, अगर एजीएस शिफ्ट में आप 32 के स्कोर के आसपास कर रहे हो, गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इधर लिखता हूं 32 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आप सिलेक्टेड हो एजीएस शिफ्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपके जो है ना डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर अगर 25 के आसपास बन रहा है इस ग्रुप में तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए रेडी रहना, ठीक है। और मैं ये नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर कट ऑफ क्या जाएगा एक्स ग्रुप का, देखो ओवरऑल आपका कट ऑफ तो हमेशा वही 21-22 ही जाता है, ठीक है, लेकिन इतने पे सिलेक्शन नहीं होता है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जो क्वालिफाइंग स्कोर है उतने पे तो पार कर दे रहे हैं, लड़कों का 31 लेके चले जा रहे हैं, तो भाई बॉयज के लिए वही मैं कहूंगा 31+ अगर आपका रह रहा है, 31 से लेके 33 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, इजी शिफ्ट के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ये अगर डिफिकल्ट के अंदर भी आपका आ रहा है 27-28 ना, तो आपका हो जाएगा और वो नॉर्मलाइज स्कोर आपका 31 से 33 ही बनेगा। तो ये जो स्कोर होगा आपका टॉप मिला लेना, स्क्रीनशॉट ले लो ओवरऑल। अगर वाई ग्रुप में किसी बच्चे के स्कोर 36 के करीब है, लड़कियों के भी 35 से 36 के बीच में है नॉर्मलाइज स्कोर, किसी लड़के का स्कोर जो है ना 31 से 33 के बीच में है, ठीक है, गर्ल्स का भी अगर वो 30 से प्लस है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए रेडी रहना। अगर आपका स्कोर इससे कम बन रहा है ना, अगर रिजल्ट आने के बाद भी, ठीक है, इस वीडियो को अगर आप रिजल्ट के बाद भी देख रहे हो तो आप आराम से ना फेज टू के साथ अगर आप पास भी हो गए हो तो इससे अगर कम बन रहा है जो मैंने स्कोर बताया, ठीक है ना, कट ऑफ मत देखना, फेज वन का कट ऑफ क्या क्या है, वो PSL में बढ़ता है, इनरोलमेंट में बढ़ता है, तो आपको सिर्फ कहते ना कि गाँव घर में प्री निकाल के फेज वन निकाल के मिठाई खाने से मतलब नहीं है, कट ऑफ डे बाई डे ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो आप फेज टू की प्रिपरेशन करना, साथ में नेक्स्ट भर्ती भी करना। अगर किसी का वाई ग्रुप में एकदम 40+ है, एकदम टंच हो रहे हो, अगर लड़कियां भी 40+ आ रही हैं और लड़के भी 31+ आ रहे हैं इस ग्रुप में, लड़कियां भी 31+ आ रही हैं, आप मस्त रहो, दबा के प्रिपरेशन करो, फेज टू में आगे सिलेक्शन हो जाएगा। एंड एक मैं फ्रेश तरीके से बोलता हूँ, वाई ग्रुप के लिए बॉय की फेज वन क्लियर करने के लिए 35 to 36, गर्ल्स की 35 to 36 आपको देखने के लिए बहुत तगड़ा चीज मिलेगा इस बार। अगर मैं बॉयज की बात कर लूँ, गर्ल्स की बात कर रही हूँ, 22+ है, आप फेज वन का कट ऑफ क्लियर कर रहे होगे। मैंने स्टार्टिंग में जो बोला वो फाइनल सिलेक्शन के लिए बोला था, क्या बोला था मैंने, फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए एक्स ग्रुप में आपको चाहिए होगा 30 31+, गर्ल्स को 30+, वाई ग्रुप में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 38+, गर्ल्स को 38+, 38 to 40, इसके बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये नंबर नॉर्मलाइज स्कोर बस आपको मक्खन फेज वन में बुलाने के लिए, आपको कहते ना कि मछलियों का चारा डाल के बुलाते, वही चीज है, आप जाओगे स्ट्रगल करोगे, आपके इतने स्कोर पे सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ फेज वन पास कर जाओगे, इस चीज की गारंटी है आपको। फेज वन पे कम कट ऑफ जानबूझ के दिया जाता है, क्या पता ज्यादा स्कोर जो है फेज टू में आउट हो जाए, बट फिर भी ये स्कोर आपको टारगेट करके चलना, अगर इतना आ रहा है भाई, मैं दोनों क्यों बता रहा हूँ पता है साथ साथ में, ताकि आप नेक्स्ट इनटेक का साथ साथ में प्रिपरेशन करो, आप फेज टू की प्रिपरेशन पे खाली डिपेंडेंट नहीं रहना, खाली हमको फेज टू करना है, नहीं, फेज टू प्लस नेक्स्ट इनटेक दोनों को साथ में, क्योंकि आप जहां 2 महीने पढ़ाई छोड़ दोगे ना और आपका किसी रीजन से नहीं हो पाता तो फिर अगले इनटेक में आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो क्यों ना दोनों को साथ में लेके चले। अगर किसी बच्चे का वाई ग्रुप में एकदम 40+ है लड़का लड़की का, और लड़कियों का एकदम लड़का लड़की दोनों का एक ग्रुप में 32-33 नंबर है,
आप निश्चिंत होकर करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा अगर मेडिकल वगैरह फिट हो जाते हो तो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ कम प्राइस मैंने कर दिया 399 रुपए में। सुनो सारे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जो नई मॉक टेस्ट आएगी वो भी देंगे हम इस बैच के अंदर, जो नई पीडीएफ आएगी इसके अंदर देंगे हम। तो अभी डाउनलोड करो स्टडी ऐप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।